पारस छाबड़ा ने किया था कॉमन मैन का इंसल्ट। जी हाँ, इस पर क्या कुछ हुआ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। अगर आपने देखा होगा, कल मैंने एक न्यूज बनाकर बता दिया था कि पारस छाबड़ा को जो है वो शूज की पॉलिश करने के लिए वहां पर, जूतों की पॉलिश करने के लिए, जूते साफ करने के लिए वहां पर बिठा दिया गया है और बहुत सारे जूते, खराब जूते उनको दिए गए हैं साफ करने के लिए। अब बात हुई थी वहां पर, घर वालों को बता दिया था कि आपको ऐसे दो कंटेस्टेंट चुनने हैं जो काल कोठरी के सजा के लिए पात्र है। अब वहां पर हर किसी ने पारस का नाम लिया, क्योंकि यार सबको पता था वहां पर उसकी सबसे खास माहिरा भी यही कह रही थी कि पारस इस बार आपकी गलती हो रही है, लेकिन पारस उसकी भी सुनने को तैयार नहीं था। और ठीक इसी तरह से हर किसी ने वहां पर पारस का नाम लिया और पारस और आसिम को जेल के पात्रों की सजा वहां पर सुनाई गई। अब यहां पर जो पारस है, पारस भड़कता है, जैसे उनका सब लोग नाम लेते हैं वैसे वो भड़कता है और वहां से लिविंग रूम एरिया से वो उठकर बाहर गार्डन एरिया में चला जाता है। ये हमें प्रोमो में दिख गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि यार पारस खुद ही जेल में चला जा रहा है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पारस बहुत गुस्सा हुए थे और पारस ये जो निर्णय लिया था घर वालों ने मिलकर, इससे सहमत नहीं थे और वो बोल रहे थे कि मैं जेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद होता यह है कि जेल के पात्रों को बिग बॉस कहते कि आप जेल के अंदर डाल दो, तो वहां पर आसिम रिया सीधे चल के अंदर जाती है। भाई कॉमन मैन है यार, जाता है जेल में, क्या होता है उसमें। लेकिन पारस भाई बड़ा आदमी है, ये कैसे जेल में जाएगा ऐसे वैसे, और जेल भी किसके साथ शेयर करेगा, हसीम के साथ? नहीं भैया, नहीं। तो इसी तरीके से वो बोलता है कि मैं जो भी हो जाए, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तो जेल में नहीं जाऊंगा। और वो बाहर गार्डन एरिया में बैठता है और बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर बिग बॉस की अनाउंसमेंट होती है कि आप जेल में जाओ, आप अपनी सजा जो है वो भुगतो। लेकिन पारस छाबड़ा मानने को तैयार नहीं होते। फिर बिग बॉस एक दिमाग चलाते हैं और बिग बॉस ने ढेर सारे जूते भेजते हैं घर में कि ले लो भैया, आप इतने बड़े आदमी हो, आप इन जूतों की पॉलिश करें। जूते पॉलिश करना कोई छोटा काम नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा जो ऊपर गए हैं वो आप थोड़ा सा नीचे आओ, जमीन पे आओ और इन जूतों की पॉलिश करें, इन जूतों को साफ करें, ताकि आपको भी समझे कि कैसे आदमी बड़ा बनता है। और बहुत बढ़िया वहां पर सजा दी है वहां पर जो पारस छाबड़ा है, इनका नाम भी लेने को मुझे बहुत, मतलब यार ये घटिया इंसान है। इस इंसान की वजह से कल बहुत लोग, मुझे सोशल मीडिया पे मैंने कमेंट्स पढ़े, मेरे वीडियो के नीचे के कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे लोगों के आंख में आंसू आ गए जो भी चीजें उन्होंने आसिम रियाज को बोल दी है। और कहीं ना कहीं आसिम रियाज हीरो बनते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेंडिंग सेक्शन में हर जगह आसिम रियाज के वहां पर ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर पे। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसी वजह से यार पारस छाबड़ा और भी नीचे खुद ही गड्ढा खोद के उसके नीचे धंसते जा रहे हैं। क्या होगा आगे जाकर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल पारस छाबड़ा कर रहे हैं जूतों की सफाई। आपको क्या लगता है, जो बिग बॉस ने किया वो सही है या गलत है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। क्या आपको भी हर्ट हुआ जैसे मुझे हुआ, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इविक्शन के बारे में कोई न्यूज आने के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।